गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं बिलासपुर, क्योंकि हमको यहाँ बिलासपुर से ट्रेन पकड़ के जाना होता है राजस्थान। घर से आने में लेट हो गया था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी बिलासपुर पहुँच के हम लोग वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ट्रेन का भी आने में आधा घंटा है। और मैं आपको बिलासपुर का स्टेशन दिखाता हूँ कितना बड़ा है। ये जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है वो क्या बोलते हैं 1861 में निर्माण हुआ था और इसका पहले नाम बिलासा था एक महिला के नाम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिलासपुर। हम अभी फ्लाईओवर के ऊपर हैं ताकि आपको ऊपर से यहाँ का सीन दिखा सकें। ये जो आप देख रहे हैं घर टाइप का, यहाँ से मेन डोर है एग्जिट का और एंटर का, और 5 प्लेटफॉर्म है। हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। पैसेंजर ट्रेन से लेकर मालगाड़ी भी जाती है कोयले की और सामान की। अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, फिर देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर कोयले की मालगाड़ी खड़ी हुई है और सारे पैसेंजर्स वहाँ पर अपना इंतज़ार कर रहे हैं। इतना बड़ा है। अभी कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण यहाँ पे भीड़ कम है। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे पूरा खाली है, बस मेरे मामा की बेटी सवानी है और कोई नहीं। आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे और भी बढ़िया सर्विसेज दी गई हैं स्टेशन पे, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो ऊपर फ्लाई ओवर के चढ़ने में। जैसे जो बुजुर्ग महिलाएँ रहती हैं, आदमी रहते हैं, उनके लिए ये भी है इलेक्ट्रिक सीढ़ी शायद इसे बोलते हैं, जिस पर आराम से चढ़ के हम लोग ऊपर आ सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ इधर मेरे पीछे में जो आप वो देख रहे हैं गोल्डन गेट, वो लिफ्ट है फ्लाईओवर के ऊपर, क्या बोलते हैं, ये सेफ्टी के लिए जाली लगा के रखी है ताकि हम फ्लाईओवर के ऊपर से गिर ना सकें। सेफ्टी का बहुत बढ़िया ख्याल रखा गया है यहाँ पे। कोरोना की वजह से बहुत सारे एग्जिट और एंट्री गेट भी बंद भी कर दिए हैं और मास्क अनिवार्य है और ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना है उसके लिए। एक प्लेटफॉर्म है विदाउट, जो पैसेंजर नहीं है उसके लिए फाइन है। बिलासपुर का बस इतनी शॉर्ट वीडियो था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस लेट हो रहा था इसलिए मैंने इतनी छोटा वीडियो बनाया। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ धौलपुर से छत्तीसगढ़ जाऊँगा तब बिलासपुर स्टेशन रुकेंगे, उस टाइम मैं आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगा और दिखाऊँगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय।